एप्पल के स्पेलिंग फोनिक्स से नहीं लिखे जा सकते, तो फिर आपको क्या फ़ायदा अपने बच्चे को फोनिक्स कराने का? आज हम ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं फरहत, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही, फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिसफेक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। ये शीट भी देखें जो आपके सामने चल रही है, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, 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 टमाटो, कुकीज, एग, पिज़्ज़ा, राइस, रईस, राइस, आर आई एस, यानी कि केक, वाटर, कैरेट, एप्पल का स्पेलिंग चेक करें, एप्पल, 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 ठीक है। तो ये कैसे बच्चे ने लिखा है कि जिसको फोनिक्स हमने सारे करा दिए हैं, जिसको सारी साउंड्स आती हैं, तो उसने फोनिक्स के हिसाब से सारे स्पेलिंग सही लिख दिए हैं, और जिसमें से आपको और मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी सारे उसने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, गलत। और हम जो बच्चों को फोनिक करा करा थक गए और हमने कहा जी जोली फोनिक्स हम करा रहे हैं और ये कार्य हैं वो कार्य, ये लो जी आपका तो सारा किया कराया खूह में पड़ गया, ठीक है, कि आपके बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग नहीं, तो फिर आपके बच्चे से तो मेरा बच्चा अच्छा है जिसने जोली फोनिक्स नहीं की है, उसको कम से कम एप्पल की स्पेलिंग आते हैं लेकिन उसको फिर बस एप्पल के ही स्पेलिंग आते हैं, ये भी है। हाय हाय, चलें जी, ये है कड़वा सच, ठीक है, कि फोनिक्स जो हम इतना बढ़ चढ़ के अपने बच्चे को कराते हैं और वो बड़े यूज़फुल हैं, और इतनी ज़्यादा वीडियोस भी मैंने उस पर बनाई हैं, और अब हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, इतने हम समझदार हैं जो, कि इंग्लिश जो है वो 100% फोनिक बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, फोनेटिकल लैंग्वेज नहीं है 100%, ठीक है, इट इज़ 50% फोनिक्स एंड 50% विदाउट फोनिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए जो कि अपने बच्चों को फोनिक्स करा रहे हैं बड़े शौक से, और समझते हैं जी बस हमारा बच्चा तो अब बिल्कुल, हमारा बच्चा इंशाल्लाह अच्छा रीडर बन जाएगा, अच्छा राइटर भी बन जाएगा, बट डेफिनेटली दिस इज़ द फैक्ट जो कि पता होना चाहिए हमें, जो नहीं पता होता, जो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। सो डेफिनेटली आई फेल्ट कि आई शुड ऑल्सो टेल यू पीपल। अच्छा जी, जॉली फोनिक्स में इसी चीज़ को क्योर करने के लिए वो लोग ट्रिकी वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं बच्चे को। ट्रिकी वर्ड्स मतलब वही वर्ड्स हैं जो कि फोनिक्स से, साउंड से नहीं आप उनको बोल सकते, मतलब फोनिक्स साउंड से बोलेंगे तो कुछ और बनेंगे, लिखते हुए कुछ और लिखना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे को वो भी शुरू करा दिए जाते हैं जब वो आधे को फोनिक्स कर चुकता है, तो उसके साथ हम ट्रिकी वर्ड भी शुरू करा देते हैं बच्चे को, उसके पीछे मकसद यही है। अच्छा, जो मज़े की बात है, मज़े की बात कह लें या जो जुल्म मुझे तो लगता है कि जितने भी फ्रूट नेम्स हैं, डेज नेम हैं और मंथ्स नेम्स हैं, मतलब दे आर ट्रिकी वर्ड्स, ठीक है, वो फोनिक्स से बहुत कम कोई इक्का दुक्का हो जाते हैं, वरना वो ज़्यादातर ट्रिकी वर्ड्स हैं। और जो आम स्कूलों में बच्चे को, क्योंकि यही कुछ कराने पे जोर रखा जाता है, इसलिए आम स्कूल के बच्चे को कहा जाता है जी इसके तो फलों के नाम आते हैं, इसके तो फ्रूट्स नेम आते हैं, वेजिटेबल्स नेम आते हैं, तुम्हारा बच्चा लिख सकता है, नहीं लिख सकता, यू नो, तो ये एक अवेयरनेस है जो होनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि अब हम अपने बच्चे को भी कराना शुरू कर दें सारे नेम शेम, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक सिस्टम के तहत अपने बच्चे को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के बच्चे को देख के परेशान ना हो जाए, इसके बच्चे को तो सारा कुछ आ रहा है, मेरे को आ नहीं रहा, राइट, तो डेफिनेटली दे आर ऑल ट्रिकी वर्ड्स। तो अगर कोई बात नहीं, वो बच्चा हमारा अगर थोड़े दिनों बाद भी कर लेगा तो कोई आखत नहीं आ जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको फ्रूट नेम 4 साल की उम्र में ही आ जाएँ सारे, या 5 साल की उम्र में ही उसको सारे जनवरी फरवरी आ जाएँ, इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, करने तो हैं, उसने कर लेगा, हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि इस चीज़ पे हमें क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि हम होम स्कूल करा रहे हैं तो इसलिए हम हमारे ऊपर तो लोग हमलावर होंगे होंगे, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि हमारा बच्चा बेहतर जा रहा है आपके बच्चे से जी, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए कि बाकी स्कूलों में टोटल फोकस ही इन्हीं चीज़ों पर होता है कि बस फलों के नाम याद कराओ, सब्जियों के नाम याद कराओ, वो बच्चे को उन्हीं को रटाते जा रहे होते हैं, जबकि हम बच्चे की रीडिंग बेस डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रिकी वर्ड्स हैं वो भी हमें इनको शुरू से ही साथ कराने हैं, होपफुली आप भी करा रहे होंगे, मैंने भी ट्रिकी वर्ड्स की कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं और बाकी और भी इंशाल्लाह आगे बनाती रहूँगी, कि जब हम फोनिक्स करा रहे हैं तो हमें उसके साथ ये चीज़ भी जहन में रखनी है, और हमें उसको ट्रिकी वर्ड्स कह के बच्चे को कराना है कि ये ट्रिकी वर्ड है, उसको आपको एज इट इज़ ही याद रखना है देख कर ही, ठीक है। चलो जी, अब लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप अपने बच्चे की एज कैसा है वो इंग्लिश रीडिंग में, और ट्रिकी वर्ड्स कितने उसको आते हैं। कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।